गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एडिशन की, जो आपका बुक का चैप्टर 2 है। तो इसमें बेसिकली मैं जो चीज़ें कवर करूँगा, आई विल टॉक अबाउट बेसिकली जो एडिशन की आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, और एडिशन के जो आपके मेथड्स हैं वो क्या हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो पहली चीज़ जो हमें समझने के लिए है वो इम्पॉर्टेंट है कि भाई एडिशन करते कैसे हैं, रादर व्हाट इज एडिशन। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, एडिशन इज पुटिंग टुगेदर टू और मोर नंबर्स और अ कलेक्शन। मतलब ये है कि मुझे एडिशन करने के लिए, एक दो नंबर्स को ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे दो नंबर्स या दो से ज़्यादा के नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब मिनिमम मेरी रिक्वायरमेंट है कम से कम मेरे पास दो नंबर होने चाहिए, एंड दे कुड ऑफकोर्स बी मोर देन टू नंबर्स, पूरे कलेक्शन नंबर्स भी हो सकता है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट देयर शुड बी टू नंबर्स। दूसरी चीज़ ये है कि जो नंबर्स हम ऐड करते हैं उनको हम कहते हैं अटेंडेंस, और जो मेरा आउटपुट निकल के आता है उन नंबर्स को ऐड करने से उसको हम कहते हैं सम। जो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख रखा है, द नंबर्स दैट आर एडेड आर फॉर अटेंडेंस एंड द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड द सम। तीसरी चीज़ है वो जो इम्पोर्टेंट समझने वाली है वो ये है कि द सम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द अटेंडेंस एक्सेप्ट वन वन ऑफ द अटेंडेंट इज जीरो। इसका मतलब ये है कि जो दो अटेंडेंट, दो नंबर जो मैं ले रहा हूँ उसका जो ऐड करने के बाद उसका जो सम आएगा वो उन अटेंडेंट्स की जो वैल्यूज दी हुई है उससे ज़्यादा होगा हमेशा, बट एक ही केस में वो ज़्यादा नहीं होगा जब उनमें से एक अटेंडेंट जो है वो ज़ीरो है। तब जो है अगर दोनों नंबर में से एक नंबर ज़ीरो है तो जो आउटपुट ऐसा निकल के आएगा वो उन अटेंडेंट से ज़्यादा नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन की। एडिशन में यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी गई है। पहली प्रॉपर्टी है इफ वी ऐड जीरो टू एनी अदर नंबर द सम इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब ये है कि अगर मैं ज़ीरो को किसी नंबर से ऐड करूँ तो जो उसका सम होगा या आउटपुट होगा वो नंबर ही होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 63 प्लस जीरो का जो आउटपुट है वो 63 है, और 0 प्लस 23 का जो आउटपुट है वो 23 है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ अ नंबर द सम डज नॉट चेंज। का मतलब ये है अगर मैं दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ उनका अगर मैं ऑर्डर कितना भी चेंज कर लूँ उनका जो आउटपुट है वो सेम जुकू वैसे ही रहेगा। जो आप देख सकते हैं जैसे मतलब मैंने लिख रखा है 77 प्लस 2 और नीचे लिख रखा है 2 प्लस 77, दोनों का जो आउटपुट है वो 79 ही है। चलिए नेक्स्ट मूव हम बात करते हैं एडिशन फैक्ट की। एडिशन फैक्ट में बेसिकली हमें जो बेसिकली समझाई गई है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई बिगर नंबर है तो उस नंबर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एडिंग टू स्मॉल नंबर। जो मैंने बेसिक डेफिनेशन दी है वो ये है, अ बिगर नंबर कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग टू स्मॉल नंबर इन डिफरेंट वेज। मतलब ये कि मैं डिफरेंट तरीक़ों से दो छोटे नंबर्स को ऐड करके वो बड़े नंबर को मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ, वो नंबर मैं मुझे मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिए, मैंने एक नंबर दिया है एक। अब इसको जो है मैंने बेसिकली क्या करा है, मैंने यहाँ पर नीचे आर्टिकल टू नंबर और उसको मैंने ऐड करके मैंने यहाँ पर जो मेरा नंबर एट है वो मैंने ऑब्टेन करा है। जैसे मैं पहला क्या मैंने किया है, शुरुआत करी मैंने जीरो से, जीरो प्लस एट तो उसका आउटपुट क्या निकलता है एट। उसी तरह फिर मैंने 1 + 7 करा है, उसका आउटपुट क्या निकल के आएगा वो भी 8। उसी तरह 2 + 6 का जो आउटपुट होगा वो भी 8, वो भी क्या होगा आपका 8 होगा। उसी तरह 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2, 7 + 1, 8 + 0, इन सब का जो आउटपुट है इन सारे नंबर्स का 8 का एट निकल के ही आएगा। तो ये तरीका है जिसके थ्रू बाय एडिंग टू स्मॉल नंबर आई कैन ऑब्टेन अ बिगर नंबर। अच्छा, मैं एक ही चीज़ समझने वाली वो ये है कि इसकी जो शुरुआत होती है उसको मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो से होगी और राइट हैंड साइड का नंबर आपका वो होगा जो नंबर आप ऑब्टेन करना चाह रहे हो। और जैसे जैसे आप जो है अपने राइट हैंड साइड को मूव करेंगे जीरो की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी जाएगी और जो आपकी एट की वैल्यू है वो आपकी रिड्यूस कर दी जाएगी। जिस तरह आपका जीरो की वैल्यू हो गई 1, 8 की वैल्यू हो गई 7, उसी तरह फिर 1 की वैल्यू 2 हो गई, 7 की 6 हो गई, फिर आपकी 3 हो गई, फिर 5। इसी तरह आप देखते जाएंगे कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही है और राइट हैंड साइड के नंबर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। और इसको हम तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक जो है हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो 8 ना हो जाए और हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है एडिशन फैक्ट्स को 14,
इसके अंदर हमने शुगर अगेन जीरो से करी है, जीरो हम हमने लिखा है अपने जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमने यहाँ पर शुगर करी 14 से। इसी तरह आप देखेंगे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसमें जो नंबर जीरो है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड की जो होगा उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और 14 की वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है जो मेरे राइट हैंड साइड पर। इसी तरह मैं इसको ऐड करते जाऊँगा जब तक कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी 14 और राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो ये तरीका है जिसके थ्रू मैं किसी भी बड़े नंबर को ऑब्टेन कर सकता हूँ बाय एडिंग टू स्मॉल नंबर्स एंड बेसिकली डिफरेंट वे। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर कोई टू डिजिट नंबर है तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे। तो आपकी बुक में जो तरीका बताया गया है वो है कि हम विद मेथड ऑफ स्प्लिटिंग के थ्रू हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो दो नंबर हैं यहाँ पर वो है हमारा 43 और दूसरा नंबर है हमारा 36। हमें इन दो नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं नंबर दोनों को स्प्लिट कर दूँगा। तो जैसे नंबर 43 है तो मैं क्योंकि मेरा 43 में 4 जो है मेरा वो मेरा 10th प्लेस पर है तो मैं यहाँ एक टेबल से बनाऊँगा टी के नीचे लिखूँगा 4 और ये 3 मेरा 1th प्लेस पर है तो मैं जो हूँ ओ के नीचे लिखूँगा 3। उसके बाद 3 के 4 जो है हमारा वो 10th प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 40 और हमारा 3 जो है वो 1th प्लेस में जुड़कर तो 3 रहेगा। उसी तरह 36 को भी मैं स्प्लिट करूँगा, 3 को मैं 10th प्लेस नीचे ले लिखूँगा और 6 को मैं 1th प्लेस नीचे लिखूँगा। 3 जो है मेरा क्योंकि वो 10th प्लेस पर तो हो जाएगा 30 और जो 6 है वो 1th प्लेस पर है तो वो 6 का जुड़कर तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद जो है मैं जो हूँ आपका जो नंबर 40 है मैं उसको लूँगा और नंबर 30 को लूँगा और दोनों को मैं ऐड कर दूँगा 40 प्लस 30। उसी तरह मैं यहाँ पर 3 लूँगा और फिर मैं यहाँ पर 6 लूँगा तो 3 प्लस 6 मैं कर दूँगा। तो उसको आप देखेंगे मैं साइड में जो टेबल बनाई है मैंने यहाँ क्या करा है कि मैंने जो नंबर 40 और 30 को लिया था मैंने ऐड करने के बाद इसका आउटपुट यहाँ लिखा है। आउटपुट क्या है इसका 70। अब 70 जो है उसमें 7 जो है वो 10th प्लेस पर आएगा और 1th प्लेस पर आएगा 0। तो मैंने 7 10th प्लेस नीचे लिखा है और 0 1th प्लेस नीचे। उसके बाद जो हमारा 3 प्लस 6 है उसका आउटपुट क्या निकल के आता है 9। 9 क्योंकि 1th प्लेस पर है तो उसको मैंने डायरेक्टली 0 के नीचे 1th प्लेस लिखा है यहाँ पर। अब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो 7 जुकर तो नीचे 7 आ जाएगा और हमारा जो 9 प्लस 0 9 आएगा। तो इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारा 79। तो ये तरीका है जिसके थ्रू जो है स्प्लिटिंग इन टू टू मेथड 1 के थ्रू जो है हमारा हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड 1 हुआ जिसमें हम दोनों नंबर्स को स्प्लिट कर रहे हैं ऐड करने के लिए। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द सेकंड मेथड। इसमें फर्क क्या है फर्स्ट के मुकाबले कि स्प्लिट हम इसमें सिर्फ एक ही नंबर को करेंगे, मतलब जो हमारा दूसरा नंबर है 36 उसी को स्प्लिट करेंगे, हम पहले नंबर को स्प्लिट नहीं करेंगे। तो 36 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो 3 तो होकर 10th स्पेस पर चला गया, 6 हमारा 1 स्पेस पर चला गया तो 3 हो गया हमारा 30 और 6 जो हमारा जूकर तो वैसे ही रहा। उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा इस टेबल के अंदर आप देखेंगे कि मैंने 43 जूकर तो वैसे लिख दिया और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है उसके साथ प्लस 30 जो मैंने यहाँ से लिया आपका टेकन फ्रॉम हेयर। तो मैं लिखता हूँ 43 प्लस 30 तो उसका जो आउटपुट निकल के आता है वो आता है 73। तो 7 क्योंकि 10th प्लेस पे तो उसके सामने मैंने उसको 10th प्लेस नीचे लिख दिया। ओके, 3 1th प्लेस पे तो उसके 1th प्लेस नीचे लिख दिया। उसके बाद में क्या क्या करा है मैंने कि दूसरा जो मेरा नंबर बचता है वो क्या बचता है यहाँ पर 6। तो मैंने 6 क्योंकि 1th प्लेस पे तो उसको डायरेक्टली मैं 3 के नीचे लिख दिया। तो अब उसको मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा 7 जूकर टू नीचे आ जाएगा और उस पर 6 प्लस 3 कितना होता है 9। उसका आउटपुट जो है निकल के आएगा 79 जो बिल्कुल वही है जो मेरे फर्स्ट मेथड का आउटपुट निकल के आया था। बट ये डिफरेंट तरीका है नंबर्स को ऐड करने का जिसमें मैं जो सिर्फ एक नंबर को स्प्लिट करता हूँ दोनों नंबर को स्प्लिट नहीं करता। सो नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी दो मेथड ऐड करने के मैं उसके बारे में बात करूँगा एंड आई वॉन्ट कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आई कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट यू। आई विल श्योरली गोइंग टू हेल्प यू विद योर प्रॉब्लम। थैंक यू।